गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था और उड़ते उड़ते वो एक टापू पर पहुंचा जहां उनके लिए बिल्कुल स्वर्ग के समान एक बहुत वातावरण बड़ा अच्छा बड़ा सुखद एकाकी वातावरण था। हर तरफ मेंढक मछलियां और समुद्र उस टापू में पानी में दिखाई पड़ रहे थे। उसी टापू के ऊपर रह करके पानियां नदी बह रही थी तो नदी टापू पर बैठे हुए नदी के छोर पर बैठे हुए वो सूखे हिस्से के ऊपर बैठे हुए पानी से बढ़िया खा रहे थे। तो उसमें बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई नहीं था और बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। तो मित्रों नमस्कार, आज मैं एक गिद्धों की कहानी कुछ करो शीर्षक से है वो अपने साहित्य की बुधवार के दिव्यांगम चैनल पर सुना रहा हूँ। आज सुने इसमें कहीं न कहीं आपको शिक्षा मिलेगी और आपकी सक्रियता को बल मिलेगा। थोड़ा विलम्ब से आज बुधवार का साहित्य की कार्यक्रम पढ़ रहा है लेकिन कल हमारे पास ये शूटिंग नहीं हो पाई थी, आज हम इस कार्यक्रम को करते हैं। तो सुनाते हैं एक कहानी। तो देखिए, गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। भूखे थे, बहुत दिनों से खाना नहीं खा पाए थे, उड़े थे बहुत थे, युवा थे। उड़ते उड़ते एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे और उसमें बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। बिल्कुल भाई वो टापू था और वो बिना किसी भय के वहाँ रह सकते। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। युवा गिद्धों को तो बिना मेहनत के मिल रहा है। उनमें से एक बोला, वाह मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं और न कहीं कोई जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हम बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी बड़े मौज से, कोई मेंढक खा रहा था, कोई मछलियाँ खा रहा था, कोई अन्य समुद्री और वन जलीय जीवों को खा रहे थे और मस्ती बीत रहे थे बस आपस में। तो सबके दिन मौज मस्ती से कट रहे थे लेकिन झुंड में सबसे बूढ़ा सबसे बूढ़ा गिद्ध बड़ा चिंतित था और इन सब गिद्धों की ये प्रक्रिया देख करके वो खुश रहे था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं केवल आराम तलब हो गए हैं, केवल आराम तलब, बस खाते मिल रहा बैठते रहे तो हमारा डाइजेशन भी खराब जाएगा, हमारी उड़ने की शक्ति हो जाएगी, हमारी पंखों की ताकत खत्म हो जाएगी, हम उड़ना भूल जाएंगे। ऊंची उड़ान तो दूर, अब हम ज़्यादातर बिल्कुल एक 50 फुट की दूरी भी नहीं उड़ सकते और आसानी से मिलने वाले भोजन को खा खा करके और हम वजन बढ़ता जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वे हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने फैसला किया है इस टापू छोड़कर वापस उस पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सवासने लगे, अजीब बूढ़ा गए हैं, सखिया गए, बेवकूफ है ना, इनको तो बस अपनी पड़ी, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग चुप्पे से इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया घी तो मछलियाँ तरह तरह के खा रहे हैं, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, किसी ने इन्हें, तो उस बूढ़े गिद्ध को किसी ने पागल कहा, किसी ने कहा सखिया गए हैं, किसी ने कहा मूर्ख हैं। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वापस लौट गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिलाऊं। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू में पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मर चुके थे और बचे थे तो बुरी तरह घायल। ये कैसे हो गया बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तो उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों के बाद
एक बड़ा सा जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ दिया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंखों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म हो चुकी है और बिल्कुल थोड़े से बचे हैं। हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर इस सब बस अफसोस कर सकता था, वो वापस अपनी जंगलों की ओर उड़ गया। अपने बूढ़ा गिद्ध समझ गया कि अब चीते हम भी मर जाएंगे इन बेवकूफ़ों के तरीके से, जो बिल्कुल निष्क्रिय नाकारा होके रहे पड़े रहे। तो मित्रों, इस कहानी का क्या संदेश? ब्रेन का यूज जो नहीं करते हैं, शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करेंगे तो उनकी भी ताकत घट जाएगी, और इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते, हमारे करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना होगा। बहुत से हम लोगों को करंट वर्तमान की परिस्थितियों से तालमेल रखना होगा। हमें बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। हम एसी में पड़े रह के, आज की गर्मी है, बहुत लू चल रही, ठीक है लू चल रही, गर्मी है, बिल्कुल पानी पी के निकले, सबको निकले, लेकिन मित्रों अगर आप पड़े रहेंगे लू में, खाली एसी को देखते रहेंगे और कूलर में पड़े पड़े बढ़िया आराम से ज़िंदगी बीबी के साथ बातें करते रहेंगे, बच्चों से खेलते रहेंगे, तो कुछ नहीं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, हर पल आप कहेंगे कि वो तो हवाई जहाज़ से चलते हैं, उनको क्या है दिक्कत, हमारे साथ तो हमारे पास साइकिल भी नहीं, ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन समस्या उनके पास भी कम्फर्टेबल जोन है। उनको इस गर्मी में इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठे अपनी जगह पर बैठे हैं, अपना काम करें, कुछ नहीं करते हैं, सक्रिय करते हैं। व्यक्ति 3-4 बजे उठता है और 11 बजे से पहले सोता नहीं है, और हम लोग 11 बजे सोकर उठते हैं, फिर 2-3 बजे खा पी के पेट में फिर सो गए, फिर 4-5 बजे कॉफ़ी चाय लिया, फिर देखें 10-11 बजे तक फिल्म और पिक्चर और राजनीतिक डिबेट और ये वो ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर सो गए, फिर सवेरे वही काम चलता रहा। कहाँ निकले यार, कौन कल काम का हो जाएगा, मीटिंग है तो यार दूसरे दिन मीटिंग में चले जाएंगे, या आगे क्या प्रोग्राम, कौन दुकान एक दिन नहीं बंद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, चला जाएगा। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो वो जो युवा गिद्ध थे जो बच गए थे, उसी तरीके से आपकी दशा होगी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप देखिए, एक बूढ़ा गिद्ध काम करता रहता है, चल रहा है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो दूसरे हमारे साथी लोग, युवा साथी, वो सब ऊप समझते हैं, कहते हैं कि अरे इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, रिटायर हो गए चुपचाप, इनके पास क्या है, हमारे पास तो बड़ा काम, अब काम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ा ढकेल रहा है, सब आराम से बैठ करके एसी में और कूलर में अपना आराम की ज़िंदगी जीत रहे हैं और कुछ नहीं। तो मित्रों, आज का एक छोटी सी कहानी इस साहित्य के कार्यक्रम में हमने प्रस्तुत किया, आपको कैसे लगी? ज़्यादा आपको बोर भी नहीं किया, बहुत कम समय में लगभग 9 मिनट के अंदर हमने ये कहानी समेट दी है, आप हमारा ध्यान देते रहें मित्रों।